फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियांजलि कॉर्नर। प्रियांजलि कॉर्नर में मैं प्रियांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। आप डेफिनेटली अपने बच्चों के लिए टिफिन में ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रामांश मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट इन सब चीज़ों को इग्नोर करिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस मॉम के चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रियांजलि कॉर्नर नाम से मेरा चैनल है, और मुझे अप्रिशिएट करें। और रामांश को भी मैं ये सब चीज़ें खिलाती हूँ, इसीलिए मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बच्चा ये उसको ट्राई करें, खिलाएं, ज़रूर खाएगा। हेल्दी है, टेस्टी है और बहुत सारे गुणों से भरपूर है। बड़े भी खा सकते हैं। बैठना है रामांश को, बैठना है। बोलो मेरे मम्मा का चैनल सब्सक्राइब करो। बोलो तो सब्सक्राइब माय मम्मास चैनल। अच्छा सुनो सुनो, इनको बोल दो, इनको बोल दो कह दो लव यू, लव यू, थैंक यू, दे दो इनको, बाय बाय कर दो, बाय बाय कह दो, लाइक, बोलो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड गुड बाय बाय बाय। ये बारीक कटी हुई हरी धनिया जो कि 2 टीस्पून ली हुई है, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून जीरा और 1 कप बेसन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये हरी मिर्च यूज़ हम तब करेंगे अगर हम बड़ों के लिए बना रहे हैं पराठे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ हरी मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। हमको चाहिए 1/2 चम्मच नमक, 2 चुटकी हींग, बारीक कटी हुई मेथी। देखिए मैंने इसको बारीक काट रखा है, उबाला नहीं है, सिर्फ बारीक काटा है धोकर अच्छे से। पानी आटा गूंथने के लिए, और हमको चाहिए आटा 1/2 kg है, ये 500 ग्राम है आटा, ये आपके लिए सफिशियंट होगा आपके 4 फैमिली मेम्बर्स के लिए। और अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। आटे में हम हरी धनिया को मिला लेंगे। हरी धनिया डालने के बाद अब इसमें हम जो बारीक कटी हुई हरी मिर्च है उसको भी मिक्स डाल लेंगे। उसके बाद हम अजवाइन को डालेंगे, अजवाइन। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। में अपना डालेंगे 1 कप बेसन जो कि हमने रखा हुआ था अपने पास में। बेसन के बाद अब हम इसमें 2 चुटकी हींग और 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। इसको डालने के बाद अब जो हमने बारीक कटी हुई मेथी रखी हुई थी अपने पास में उसको हम इसमें पूरा डाल देंगे अच्छे से। अब हमको करना क्या है, हमको इसको सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। साफ हाथों से करिए ये काम, अच्छे से हाथ से ही मिक्स होगा, पूरा अच्छे से इसको हाथ से मिक्स करेंगे हम। हमारा आटा अब तैयार है गुथ के, ये इस तरीके से हो जाएगा कुछ आटा। साथ में मैंने थोड़ा सा बर्थन लिया हुआ है ताकि अगर थोड़ा सा बेलने में परेशानी हो तो मैं इसका इस्तेमाल करूं। और सेकने के लिए मैंने घी लिया हुआ है, मैंने घी शुद्ध देसी घी लिया हुआ है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का या जो भी आप ऑयल खाना पसंद करते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीके से एक छोटा सा पेड़ा आपको बनाना है और उसको इस तरीके से आपको रखना है। मैं आपको बताऊँगी किस बेल के किस तरीके से बेलना है। इसको बेल लिया है ये, अब मैं इसको अपने तवे पे डालूंगी। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा ये हल्का सा ब्राउन हो जाए एक साइड से, फिर मैं इसको पलटूंगी। इसको पलट दिया, ये ब्राउन हो गया हल्का सा। अब मैं इसमें हल्का सा घी लगाऊंगी। आपको स्लो फ्लेम में, धीमी आंच में इसको सेकना है ताकि ये आपका अच्छा सेके, बढ़िया सेके, बढ़िया स्वादिष्ट मेथी का पराठा बने।
डेफिनेटली आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा, बड़ों को तो आएगा ही आएगा। बच्चों के लिए टिफिन का, ब्रेकफास्ट का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और बच्चे मेथी खाना वैसे भी पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप ये पराठा ट्राई करेंगे, उनको खिलाएंगे, तो वो डेफिनेटली ये पराठा खाएंगे। और आप इस चीज़ से भी निश्चिंत रहेंगे कि उनके अंदर हरी सब्जियां भी जा रही हैं। ये भी एक तरीका है बच्चों को, मतलब हरी सब्जियां किस तरीके से उनके अंदर पहुँचाएँ, इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही कम समय में बनने वाली रेसिपी है ये। आपको सुबह जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए जल्दी से ये तैयार कर सकती हैं, अपने हस्बैंड को ऑफिस जाने से पहले हेल्दी ब्रेकफास्ट दे सकती हैं। ये देखिए हमारे मेथी के पराठे बनके पूरी तरीके से तैयार हैं। आप इसको टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, चिली सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, या अचार के साथ, या टमाटर की चटनी, जिस भी चीज़ के साथ आपको पसंद हो। वैसे मुझे लगता है आपका बच्चा तो टमाटो सॉस के साथ ही पसंद करेगा। और ये बनके तैयार है, बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट है। अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।